श्री राधे हर हर महादेव। वैशाख मास की वरुथनी एकादशी आप सभी के लिए पुण्य द्वार है। इस दिन जो एकादशी का व्रत कर सकता है उत्तम, और जो व्रत न करे वह कुछ नियमों का पालन करे। वरुथनी एकादशी के दिन यदि आप दान पुण्य करते हैं उसका फल आपको कोटि गुना प्राप्त होता है। वरुथनी एकादशी के दिन आप सबसे अधिक और सबसे सरल दान है जल दान। तो आप जल दान या किसी को जरूरत है तो पंखे का दान अवश्य करें। फल दान भी अत्यंत महत्व रखता है। कोशिश कीजिए कि एकादशी के दिन आप अपने हाथों से कुछ न कुछ दान अवश्य करें। वरुथनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। एकादशी की शुरुआत 3 मई शुक्रवार को रात्रि 11:24 से होगी और समापन 4 मई शनिवार को 8:38 पर होगा। वरुथनी एकादशी का पारण 5 मई प्रातः 5:37 से लेकर 8:17 तक होगा। तत्पश्चात जान लेते हैं इसकी पूजा विधि और कथा। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात देवी देवताओं को स्नान कराकर स्वच्छ वस्त्र पहने मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने व्रत का संकल्प लें। व्रत में असमर्थ हो तो पूजा करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य शामिल करें, और यह तुलसी दल आपको एक दिन पूर्व ही माता तुलसी के गमले से या ग्रहण करते हैं वहां से पहले ही ले लें। एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ना वर्जित है। इस दिन उपवास रखना बहुत उत्तम होता है, और किसी कारणवश यदि नहीं रह पाते तो कम से कम अन्न न खाएं। भगवान कृष्ण की उपासना करें, फल पंचामृत अर्पित करें, मधुराष्ट का पाठ और अगले दिन सुबह अन्नदान करें। वरुथनी एकादशी पर प्रेम आनंद और मंगल के लिए मधुराष्ट का पाठ करना, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना, संतान संबंधी समस्याओं के लिए गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करें। इसी के साथ भागवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना कदापि न भूलें। बढ़ते हैं एकादशी वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। इस एकादशी की कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील और तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आ गया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा अपनी पूर्ववत तपस्या में लीन रहा। कुछ देर पश्चात पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म के अनुकूल क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर श्रीहरि प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू बहुत पहले ही खा चुका था, इससे राजा बहुत शोकाकुल थे। तो श्रीहरि बोले, हे वत, शोक मत कर, तुम मथुरा जाओ, वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वरहा अवतार मूर्ति का पूजन करो। उसके प्रभाव से तुम्हारे सभी अंग सुदृढ़ हो जाएंगे। जो भालू ने तुम्हें काटा है वह तुम्हारे पूर्वजन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इस प्रभाव से राजा शीघ्र ही सुंदर और संपूर्ण अंग वाले हो गए। अतः जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित हो वह वरुथनी एकादशी का व्रत अवश्य रखे, भगवान विष्णु का स्मरण करे। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता को स्वर्ग प्राप्त हुआ था। तो ईश्वर करे जो इस एकादशी का व्रत करे, इस दिन दान करे, सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो। मान्यता है कि जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी का व्रत करता है उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा स्नान से और दान करने से, इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। अतः मनुष्य को धर्म कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए, पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए। इसी के साथ आप सभी से विदा चाहते हैं। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो श्री राधा रानी बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे हर हर महादेव।